नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। MIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने BSP सुप्रीमो मायावती की दो टूक पर अपनी पार्टी का रुख भी साफ कर दिया है। ओवैसी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के साथ चुनाव लड़ेगी। यूपी के चुनाव को लेकर रविवार को ही मायावती का बयान सामने आया कि वह इस राज्य में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने जा रही हैं। BSP अपने दम पर यूपी और उत्तराखंड में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 27 जून को ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में भी AIMIM ने BSP के साथ मिलकर वहां विधानसभा चुनाव लड़ा था। यूपी में ओवैसी की पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ चुनाव की तैयारी में लगी है। 2007 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लड़ने वाले राजभर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA से अलग हो गए थे। सुभाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी की नीतियों के अनुरूप मांगों को नहीं मांगने जाने से भाजपा के साथ चलने में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। राजभर यूपी में भागीदारी संकल्प मोर्चा की अगुवाई करते हुए चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ेगा यूपी में चुनाव। मायावती के रुख पर यूपी को लेकर ओवैसी ने दो टूक कही ये बातें। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।